जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 का ग्रैंड इवेंट चल रहा है। 25 देशों के 150 से ज्यादा डेलीगेट्स जमीन के जन्नत कश्मीर में पहुंचे हुए हैं। यहां की खूबसूरत वादियां और डल झील में शिकारा का आनंद ले रहे हैं। इधर G20 की बैठक चल रही है, दूसरी ओर पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जल भून रहे हैं। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक के खिलाफ पाकिस्तान ने कई तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए, लेकिन उसके विरोध को दरकिनार कर यहां कड़ी सुरक्षा के बीच G20 बैठक हो रही है। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर चीन ने भी बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन पड़ोसियों की नापाक कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी और G20 के जरिए हिंदुस्तान का दम देख रही है। कश्मीर दुनिया का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल तो है ही, लेकिन अब यहाँ के लोग नए तरह से दुनिया के पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। कुछ लोग तो चाहते हैं कि कश्मीर में बवाल हो, लेकिन G20 के जरिए उनके नापाक मंसूबों पर एक बार फिर पानी फिर गया है। पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग और एक महत्वपूर्ण मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर में हो सकता है। आज ये मीटिंग की शुरुआत हुई है, ये मीटिंग अच्छी तरह चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स G20 और सबसे प्रवासी देशों से आए हैं भारत में, श्रीनगर में। तो ये भी एक बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। इसका महत्व है कि श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में जो कंडीशंस हैं, शांति के कंडीशन, सुरक्षा के कंडीशंस हैं, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं। यहाँ पे टूरिस्ट, ना सिर्फ भारतीय टूरिस्ट पर विदेशी टूरिस्ट भी आ सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर घूमने लायक है, यहाँ के लोग तैयार हैं, यहाँ के लोग दे आर वेलकमिंग टूरिस्ट। और एक जो भय का माहौल जो क्रिएट करते थे, जो सेल्फ इंटरेस्टेड ग्रुप्स, कुछ ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप हैं जो यहाँ पे डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, इस मीटिंग के बाद वो माहौल बिल्कुल एक झूठ की तरह लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इतने अभी विदेशी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, वो सारी रिपोर्ट करेंगे, सारी देश और विदेश की मीडिया यहाँ पे है, वो डल लेक का और इतने सोशल मीडिया पे इतने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ जा रहे हैं, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। कश्मीर फिर से विदेशी पर्यटकों से गुलजार होगा, देश विदेश की फिल्मों की शूटिंग होगी G20 के जरिए, यही भारत सरकार की भी चाहत। All the delegates, they are absolutely excited about the event, about the place, also about the agenda Sir, of the meeting. What will be the focus of today's day? You see, A, of course, promotion of tourism, of course, that goes without saying. The Government of India is in the process of bringing out a national strategy document on film tourism, which is something unique. I think one of the first of its kind initiatives happening from the government sector. To institutionalize the promotion of film tourism. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए जी न्यूज संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। खालिद, अभी तक ज्यादातर हमने फिल्मों में देखा, पहले तो हालांकि कश्मीर का इस्तेमाल होता था, कश्मीर जाते थे फिल्म की शूटिंग करने के लिए, लेकिन स्विट्जरलैंड ने जगह ले ली थी कश्मीर की। अब सरकार ने यह इनिशिएटिव शुरू किया है टूरिज्म को लेकर, यहां पर G20 की अहम बैठक हो रही है, तो एक बार फिर यहां पर फिल्म टूरिज्म को आमंत्रित करने की सरकार की यह कोशिश है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर 70 और 80 के दहाई की बात करें तो कोई भी बॉलीवुड की फिल्म जो है वो कंप्लीट नहीं होती थी जब तक उसमें कश्मीर नहीं दर्शाया जाता था। फिर 90 के दहाई से वो चलन जो है कम हुआ, क्यों यहाँ हालात ख़राब हुए, लेकिन अब जो वो शुरुआत फिर से होने लगी है और इस बार जो फिल्म टूरिज़्म पर G20 की बैठक हुई है, उससे ये सुनिश्चित होता जा रहा है कि कश्मीर में एक बार फिर बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टॉलीवुड और जो वेब सीरीज़ बनाने वाले नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस या फिर इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स भी यहाँ का रुख करेंगे, और ऐसा होता दिख भी रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो आंकड़े बता रहे हैं कि 200 से ज़्यादा वेब सीरीज, ड्रामास और फिल्म्स यहाँ पर शूट हो चुकी है, उसमें साउथ इंडिया फिल्म्स भी हैं, उसमें बॉलीवुड की फिल्म्स भी हैं, लेकिन अब ये मंच जो है, ये जम्मू कश्मीर जो है, ये एक्सप्लोर हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि G20 के जो 61 डेलीगेट्स फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पे आए हैं
वो अपने अपनी जगहों पर जाकर यहाँ के जम्मू कश्मीर के एम्बेसडर बनेंगे और यहाँ के हालात जो उन्हें देखे, यहाँ की खूबसूरती देखी, कल जिस तरह से उन्हें शिकारा राइड किया या फिर डल के किनारे जहाँ पर ये बैठक हो रही है वो जो खूबसूरती देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो ये एहसास हो रहा है कि इससे बेहतर दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ फिल्म को शूट किया जा सके। जमीन पर कहीं अगर जन्नत है तो वो यही है, यही है और यही है। और दुनिया के तमाम नेता जो इस समय कश्मीर में मौजूद है उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि सच में ये जन्नत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद खालिद आपका। जीनी।